हेलो नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने इस सरकारी यूट्यूब चैनल पर। तो भाई बहनों, आप सभी के लिए बड़ी खबर निकल कर आ रही है इस वक्त की। तो भाई बहनों, मुख्यमंत्री द्वारा किया गया है एक बड़ा ऐलान, तो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। पहली बार चैनल पर आए हुए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और एक प्यारा सा लाइक ज़रूर करें। तो दोस्तों, मैं आपको बताऊँगा यहाँ पर गरीब वर्ग के लिए, यानी जो आर्थिक रूप से कमज़ोर पिछड़े लोग हैं उनके लिए मुख्यमंत्री ने जो घोषणाएं की हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा और दोस्तों यहां पर मैं वीडियो भी दिखाने वाला हूं क्या क्या इसमें घोषणाएं की हैं मुख्यमंत्री जी ने स्वयं प्रूफ के साथ मैं आपको दिखाने वाला। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कुछ ऐसे लेबर क्लास के लोग हैं या गाँव के अंदर छोटे मोटा काम करने वाले लोग हैं, गरीब किसान होगा, जिनका इन सूचियों में किसी में भी अभी नाम नहीं आया है। शहरों के अंदर रिक्शा चलाने वाला लोग भी हो सकते हैं। ऐसे गरीब लोगों के लिए स्पेशल रजिस्ट्रेशन शुरू किया हमने और उस रजिस्ट्रेशन को आप CSC में जाकर के कर सकते हैं या टेलीफोन नंबर है 1100 वहाँ भी अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इनके रजिस्ट्रेशन होने के बाद इनको भी 1000 रुपये प्रति सप्ताह ये दिया जाएगा और मैं समझता हूँ इस प्रकार के जितने गरीब लोग हैं वो सब इसके अंदर आएंगे। आज तिथि तक लगभग ऐसे लोगों को 250 करोड़ रुपया ये पहुंचाया जा चुका है। अगले सप्ताह में बाकी बचे लोगों को और भी पहुंचा दिया जाएगा। मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना में 6,30,000 लोगों को 4,000 रुपया उनके खाते में जमा कराया जा चुका है। इसी प्रकार लगभग 7,00,000 लोगों को हम लोग 1,000 रुपया प्रति सप्ताह भेजने की स्थिति में आए हैं। ऐसे 290 करोड़ रुपया हम इस समय तक भेज चुके हैं और आगे भी ये जो क्रम है जारी रहेगा। जहां तक राशन की बात है, केंद्र सरकार की सहायता से इस महीने का राशन 5 अप्रैल तक सबको भिजवा दिया जाएगा और इसमें डबल इस बार राशन जाएगा और बिना किसी कीमत के जाएगा। प्रति परिवार अंत्योदय अन्न योजना में 70 किलो राशन मिलेगा और BPL के परिवारों को 10 किलो प्रति व्यक्ति के हिसाब से राशन दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त चीनी और सरसों का तेल ये भी हम देने जा रहे हैं। मित्रों, हमारी चिंता है कि हर गरीब परिवार में खाने की व्यवस्था ये सबसे पहला काम है। यदि खाने की व्यवस्था में 2 समय का भोजन सबको ये मिलता रहे तो हम इसमें अपने कठिन समय को निश्चित रूप से कुछ दिन और निकाल पाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है।